जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम आप सभी ने तो सुना ही होगा, क्योंकि ये नेशनल पार्क पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आज बड़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष इस नेशनल पार्क में घूमने आते हैं और इस राष्ट्रीय उद्यान का आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरी दुनिया के बीच इतना प्रसिद्ध क्यों है? आखिर इस नेशनल पार्क में ऐसा क्या है जिसके आकर्षण से पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं? आखिर क्या है इस राष्ट्रीय उद्यान के पीछे का इतिहास और रहस्य? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नामकरण से पहले सन 1936 में बंगाल के लुप्त होते बाघों की प्रजाति के संरक्षण के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में इस राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। 60 के दशक में आम जनमानस में वन्य जीव प्रेमी के रूप में मशहूर हुए एडवर्ड जिम कॉर्बेट के नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो प्रकृति माँ की शांत गोद में आराम करना चाहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है। बाघों की भारी संख्या देखे जाने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का संपूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ने इस अद्भुत भव्य तथा लुप्त प्रजाति के संरक्षण की उम्मीद को मजबूती से बरकरार रखा हुआ है। कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से अधिक एशियन हाथियों का भी स्थान है, जिनको पूरे इत्मीनान से विशाल झुंडों में देखा जा सकता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 600 से भी अधिक प्रजातियों के स्थानीय तथा विदेशी प्रवासी पक्षियों का भी घर है। प्राकृतिक पर्यावरण से संपन्न क्षेत्र सारे संसार की कुल पक्षी प्रजाति की 6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि पूरे यूरोप की पक्षी विविधता से भी अधिक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले 49 प्रजाति के शिकारी पक्षी इस पक्षी विविधता के प्रमुख तत्व हैं, तथा सर्दियों में ये विविधता अपने शीर्ष पर होती है। ये पार्क राम गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिस जगह पर भ्रमण हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेज वाइल्ड एडवेंचर के दौरान ब्रिटिश साहसकर्मी बेयर ग्रिल्स के साथ किया था। पीएम मोदी के इस करीब 8 किलोमीटर लंबे रूट को श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तय की गई उनकी साहसिक यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा रहा। ये नेशनल पार्क प्रत्येक प्रकृति प्रेमी व पर्यटकों का स्वागत करता है। प्रकृति के अंतरिम सौंदर्य का आनंद लें और जीवन में इस सौंदर्य को उतार लें। आपकी प्राकृतिक खुशियों का जीवन साक्षी बनेगा हर बार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।